क्या नाम है आपका? जयकिशोर यादव। जयकिशोर जी, क्या मानते हैं युवाओं के लिए इस सरकार ने क्या किया है? कुछ नहीं। तो आपका जो मन है वो आप किस सरकार की ओर कर रहा है, किसको आप वोट देंगे और क्यों देंगे? अखिलेश भैया को वोट देंगे। क्यों देंगे? क्यों, उन्होंने हमारे लिए बहुत काम किया है। क्या क्या काम किया? जैसे हाई स्कूल पास की थी मैंने सन 2012 में, मुझे टैबलेट मिली थी और हमारे जो भाई थे उनको लैपटॉप वितरण किए थे बीए में जाके, और हमारे यहाँ फिरोजाबाद में खारा पानी था पीने के लिए, उसे जेड़ा जाल के नाम से योजना बनाई। कोई भी प्रत्याशी आएगा उस साइकिल वाले का, उसका हम समर्थन करेंगे। फिरोजाबाद की 500 सीटों पर समाजवादी पार्टी विजय पाएगी। नमस्कार, मैं दिव्यांशु कुलश्रेष्ठ और आप सभी का स्वागत है KIA न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और सभी पार्टियां अपने प्रचार और चुनाव प्रचार में जम दमखम लगा रही हैं। यहीं पर हम सिरसागंज का ब्लॉक अराव में आए हुए हैं। यहां समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं, कुछ प्रत्याशी हैं जो कि आज अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो किस दृष्टि से देखते हैं? उनके छोटे भाई हैं संतोष जी के, भूपेंद्र यादव जी, उनसे ही पूछना चाहूँगा कि अब जो चुनाव में आपके एजेंडे क्या क्या होंगे, क्योंकि सिरसागंज सीट एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है। पहले भी जो वहाँ पर जो MLA थे वो भी सपा से थे, फिर उनको निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद आपके क्या क्या एजेंडे रहेंगे, कैसे आप जनता को अपनी तरफ डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि वो जो प्रत्याशी हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग प्रत्याशी हैं। जो अभी तक क्षेत्र में रहा कि लूटमार, अन्य वैसे कब्जा, नए युवा की जिंदगी खराब करना, ये हम लोगों का ये है कि जो पहले होता रहा अब वो नहीं होने देंगे। और जो अखिलेश भैया ने चुना है, माननीय प्रोफेसर साहब ने जो कहा है कि वहाँ जाके आप लोग जाएं और अपना प्रचार करें और जनता की सेवा करें, और जनता की सेवा करूँगा। और नए युवा के लिए मेरा एक ये है प्रण कि नए युवा के लिए बढ़िया नौकरियाँ दिलवाएंगे। आज जो इतनी खाद की महंगाई है और इतनी अपनी डीजल देखिए आप, घरों में कड़ुआ तेल देखिए, गैस की देखिए आप, तो इन महंगाइयों का बहुत वो करेंगे। और हम लोगों ने जो सोचा है वो एक ज़रूर ये रखेंगे कि आपका बिजली के बिल पे माफ़ करवाएंगे। खाद जो 1200 की थी वो 1600 की करवा दी, इस पे हम लोग मिलवाएंगे। और 1000 रुपया की बोरी वो जो बिक रही थी वो ब्लैक में लोगों ने 1600 की बेची, और वो भी लोगों को नहीं दी गई, वो हम लोग ये प्रयास में रहेंगे। और माननीय प्रोफेसर साहब ने जो कहा है उन चीज़ों पे खड़े उतरेंगे कि BAP सरकार खुद गुंडई का काम कर रही है। आप बताइए इनकाउंटर कितने हो रहे हैं, ठोंको, बस एक शब्द हो गया कि ठोंकिए, है ना। हमारी पुलिस इतने अच्छे लोग थे, जो हमारी सरकार में कभी इनकाउंटर नहीं इतने हुए, हमारी सरकार में कभी कोई ऐसा गुंडा माफिया नहीं था। आज जो ये लोग कह रहे हैं कि सपा सरकार में पहले कब्जा करते थे या माफिया थे, ऐसा कुछ नहीं। ये तो आप देखिए आप इस सरकार को, BAP वालों को, कि मतलब कोई काम नहीं करने के और ना कोई काम होने देते हैं। उनकी सोच एक बना दी कि काम अधिकारियों को भ्रष्टाचार में फैला दिया। आप किसी आप ऑफिस में जाएं और काम के लिए कहें तो वो कहते हैं 10 रुपया नहीं, 100 रुपया चाहिए, उसके बाद में 24 घंटा आपको। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र यादव, सदस्य जिला पंचायत वार्ड नंबर 3। आप अभी यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए घूमते हैं, तो आपको जो चुनावी माहौल है फिरोजाबाद का, क्या लग रहा है कि फिरोजाबाद का जो वोटर है किसकी तरफ डाइवर्ट हो रहा है? फिरोजाबाद की 500 सीटों पर समाजवादी पार्टी विजय पाएगी, और समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी तय किए हैं उनमें जनता में कोई मतभेद नहीं है, न कोई संशय है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय प्रोफेसर साहब ने, जो हमारे सिरसागंज के प्रत्याशी आदरणीय संतोष यादव जी को प्रत्याशी बना के भेजा है, अब हम सभी लोगों को जिम्मेदारी है कि हम उन्हें भारी मतों से जिता के सिरसागंज से भेजेंगे। और जो लोग बाहरी और भीतर का जो आरोप लगा रहे हैं, बाहरी और भीतरी का जो लोग आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल निराधार है। न संतोष यादव बाहरी हैं, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उन्हें प्रत्याशी बना के सिरसागंज की सेवा करने के लिए भेज दिया है, तो वो सिरसागंज के हो गए और हम लोगों के रिश्तेदार हैं।